नमस्ते दोस्तों, हम बनाने जा रहे हैं नारियल पाक। ये नारियल पाक बनाना बहुत इजी है, तो इस जन्माष्टमी में ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए एक गोला ले लेंगे नारियल का और पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। तो इस जन्माष्टमी में दोस्तों ज़रूर बनाइएगा, आपके कान्हा जी बहुत ही खुश होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। एक कटोरी मखाना ले लीजिए, एक कटोरी चीनी ले लीजिए, और ये है कुछ ड्राई फ्रूट यानी बादाम और पिस्ता। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट यहाँ पे रख सकते हैं। तो चलिए गैस ऑन करते हैं और कढ़ाई में अपना जो नारियल कट किया हुआ है और मखाना ऐड कर लेते हैं, और गैस की फ्लेम को लो कर लीजिए और 5 मिनट तक इसको भून लीजिए। क्रंची होने तक आप इसको रोस्ट कीजिएगा। तो 5 मिनट लगा है इसको भुनने में। तो आप कलर इसका देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, आप मखाने को देखिए एकदम क्रंची हो गया है। तो इसी तरीके से आप भून लीजिएगा। तो ड्राई फ्रूट को अपने थोड़ा 2-3 मिनट तक भून लेते हैं। इसको भी गैस की फ्लेम लो करते हुए ही भूनेंगे। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट रख सकते हैं दोस्तों। तो हमारा मखाना ठंडा हो चुका है, तो चलिए मिक्सी जार लेते हैं और उसमें इसको पीस लेते हैं। मैं आपको पीस कर दिखाती हूँ कि किस तरीके से रखना है। तो ये मेजरमेंट में 2 कटोरी है। एक थाली ले लीजिए, उसमें 1/2 चम्मच घी ऐड कर लीजिए और अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, ये आगे काम आएगा। तो चलिए इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो 1 कटोरी चीनी है, तो उसी कटोरी से 1/2 कटोरी पानी ऐड करेंगे। तो गैस की फ्लेम को लो पे करते हुए चाशनी बनाएंगे। तो 5 मिनट लगा है चाशनी बनाने में, तो एक तार की चाशनी चाहिए दोस्तों। गैस की फ्लेम को लो पे रहने देना और उसमें सारे अपने मटेरियल को ऐड करेंगे और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक एकदम एक जगह एक डो ना बन जाए। और इलायची के पाउडर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच। ये सबको मिक्स करते हुए अच्छे से पकाएंगे और एक आटा जैसा डो बन जाएगा। मैं आपको आगे दिखाती हूँ।
जमने की कंडीशन में तभी होगा दोस्तों जब एक एक जगह डो बन जाएगा और उसमें वाइट वाइट दिखने लगेगा। तो जिस थाली में हम अपना घी ऐड किए लगाए थे उसमें ये मटेरियल सब ऐड करेंगे, ओके। और ऐड करने के बाद इसको पतले अच्छे से फैला लेंगे। तो फैलाने के बाद क्या करेंगे, इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। तो ठंडा हो गया है, अब क्या करेंगे, इसको चाकू से कट करेंगे। तो चाकू कट करने के बाद क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो दोस्तों इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, मैं आपको निकालते हुए नहीं दिखा पाई क्योंकि ये वीडियो करीब हमने रात को 1 बजे बनाया, तो कट करके मैं फ्रिज में रख के सो गई। अब सुबह उठी तो सब अलग अलग हो चुका था, तो सॉरी इसके लिए। इसमें से निकालते हुए वीडियो नहीं देखा पाई। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो बनाते समय अपना वॉइस कवर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तो आवाज़ शोरगुल बहुत होता है। तो करीब मैं रात में अपनी वॉइस कवर करती हूँ। तो ये हमारी वीडियो कैसा लगा, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।